राक्षस, उड़ता सफेद शेर और तीन जादुई शेर। जंगल पर तीन शेर भाइयों का राज्य था, सिम्बा, वीरू और रुद्र। तीनों बहुत ही ताकतवर और शांत स्वभाव के थे। इतना ही नहीं, तीनों के पास एक जैसी जादुई मणि थी, जिससे वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को दूर करते थे। इस जादुई मणि की एक खासियत थी, उसकी शक्तियाँ उसी वक्त काम करती थी जब तीनों भाई एक साथ होते थे। अगर उन तीनों में से कोई एक भी ना हो तो उस मणि की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती थी। ऐसे में एक दिन उस जंगल में एक राक्षस उड़ने वाला सफेद शेर आसमान से होते हुए जंगल में आता है। उसके पास कई सारी दुष्ट शक्तियाँ थी। वो जैसे ही जंगल में आता है, वो अपने आप से कहता है, कई वर्षों से मैं उस मणि को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जाकर मुझे उसका पता चला है। अब मैं किसी भी कीमत पर वो मणि हासिल करके ही रहूंगा। यूं वो अपने आप से बातें कर रहा था कि तभी उधर से गुजर रहा बाघ उसकी सारी बातें सुन लेता है। बाघ सिम्बा और उसके दोनों भाइयों से बहुत नफरत करता था। वो उन तीनों में फूट डालकर उन्हें मारना चाहता था, ताकि वो उस जंगल का राजा बन सके। शेर की बातें सुन बाघ अपने मन में सोचता है, लगता है अब जाकर मेरा सपना पूरा होने वाला है। मैं इस शेर की मदद करूंगा, ताकि वो मणि की लालच में उन तीनों भाइयों को मार डाले। ऐसा हो गया तो मैं आसानी से इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और इस जंगल पर राज करूंगा। यूं सोच कर बाघ शेर के सामने जाता है। अरे ओ शेर, जो तुम सोच रहे हो वो उतना आसान नहीं है। जब तक वो तीनों शेर भाई जिंदा है, तुम उस मणि को देखना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं भटक पाओगे। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। वो दहाड़ मारते हुए कहता है, तेरी ये मजाल कि तू मेरे सामने उन दुश्मनों की तारीफ कर रहा है। लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो पलक झपकते ही इस पूरे जंगल को तबाह कर सकता हूँ और बर्बाद भी। समझा? इस जंगल को बर्बाद करने में शायद तुझे पलक झपकने का समय लगेगा, पर अगर वो तीनों भाई ठान ले कि तुझे खत्म कर दे, तो वो पलक झपकने का भी समय नहीं लेंगे और तुझे खत्म कर डालेंगे। तो उन तीनों को कैसे खत्म किया जाए? ये हुई ना बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक वो तीनों एक साथ है, कोई भी ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्हें मारने के लिए पहले उन्हें अलग करना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर तुम क्यों मेरी मदद कर रही हो? बाघ नकली आंसू लिए हुए कहता है, उन तीन भाइयों की वजह से मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। मैं अनाथ हो गया। मेरे जीवन का अब एक ही मकसद है, उन तीनों भाइयों की बर्बादी देखना। यूं वो दोनों सिम्बा और उसके भाइयों को अलग करने की योजना बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर सिम्बा अपने भाइयों से कहता है, देखो, मैं एक जरूरी काम से पास के जंगल जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम दोनों अपना और जंगल का ख्याल रखना। हाँ भाई, हम संभाल लेंगे, तुम चिंता ना करो। यूं सिम्बा पास के जंगल की ओर निकलता है। ये सब पेड़ पर बैठा बाघ का खबरी कौवा सुन लेता है और वो तुरंत जाकर बाघ को सारी बात बताता है। बाघ खबर सुनकर खुश हो जाता है और वो शेर से कहता है, अरे ओ, तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। बिना कुछ किए ही मौका तुम्हारे हाथ आ गया। सिम्बा अकेला पास के जंगल जा रहा है, तुम रास्ते में ही उसका काम तमाम कर डालो, फिर बड़ी ही आसानी से वो जादुई मणि तुम्हारी हो जाएगी। शेर और बाघ सिम्बा को ढूंढते हुए निकलते हैं। जैसे ही शेर की नजर सिम्बा पर पड़ती है, वो उस पर हमला करता है। अचानक हुए हमले से सिम्बा चौंक जाता है। इससे पहले कि वो कुछ सोचे, शेर आसमान में उड़ते हुए सिम्बा पर बार बार हमला करता है। सिम्बा उसके हमले से बचने की कोशिश कर रहा था। यूं करते करते सिम्बा एक पत्थर से टकरा कर पास के एक खाई में गिर जाता है। ये देख शेर और बाघ खुश हो जाते हैं। आखिरकार तुमने कर दिखाया, अब बस उन दोनों का भी काम तमाम कर दो, फिर मुझे इस जंगल का राजा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है।
क्या हुआ? क्यों तुम पागलों की तरह हंस रहे हो? अरे ओ बाघ, पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो दिन में सपने देख रहे हो। मनीन और यह जंगल दोनों मेरे है। ये सुनकर बाघ घबरा जाता है। इससे पहले कि वो वहां से भागने की कोशिश करे, शेर उस पर हमला कर उसे मार डालता है। शेर उड़ता हुआ वीर और रुद्र के पास जाता है। दोनों भाई शेर को देखकर, कौन हो तुम और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारे भाई सिम्बा को मार डाला है, अब तुम दोनों की बारी है। अगर तुम दोनों अपनी जान की खैर चाहते हो तो वो जादुई मनी मुझे दे दो। सिम्बा की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई घबरा जाते हैं। नहीं, भाई को कुछ नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। शेर रुद्र और वीरू पर हमला करता है। तीनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। शेर अपनी जादुई शक्तियों से वीरू और रुद्र को घायल कर देता है। तुम चाहे हमारी जान ही क्यों ना ले लो, पर हम तुम्हें किसी भी कीमत पर मनी तक नहीं पहुंचने देंगे। ये देख शेर कहता है, तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, पर मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये कहकर शेर वहाँ खड़े जानवरों पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करने लगता है। ये देख रुद्र कहता है, छोड़ दो इन मासूम जानवरों को, हम तुम्हें वो जादुई मनी देने के लिए तैयार है। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है। वो जोर जोर से हंसने लगता है। वीरू और रुद्र शेर को वो मनी देने ही वाले थे कि सिम्बा वहाँ आता है। वीरू और रुद्र सिम्बा को देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर शेर सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। क्यों, मुझे जिंदा देखकर घबरा गए? तुमने क्या सोचा कि मैं खाई में गिरकर मर गया? जब मैं खाई में गिरा तो एक पेड़ से लटक कर बच गया और जैसे तैसे करके यहाँ चला आया। ये सुनकर शेर घबरा जाता है। तीनों भाई जादुई मणि की ताकत से एक विशाल पंखों वाले शेर में बदल जाते हैं। ये देखकर सफेद शेर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तीनों विशाल पंखों वाले शेर के बदले भाई उस दुष्ट सफेद शेर पर हमला करके उसे मार डालते हैं। जैसे ही उड़ने वाले सफेद शेर का अंत होता है, तीनों भाई अपने अपने रूप में आ जाते हैं। ये देख जंगल के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। जादुई उड़ने वाला सफेद शेर और काला चीता। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो बड़ा ही ताकतवर और दयालु था। शेर का अपना कोई नहीं था, जानवर ही उसके लिए सब कुछ थे। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसी जंगल में रहने वाला एक बगीरा नाम का काला चीता शेर का बहुत अच्छा दोस्त था। बगीरा शेर की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया करता था और जंगल में सभी जानवरों का मजाक उड़ाकर उन्हें तंग करता था। इस बात को लेकर शेर ने कई बार उसको समझाने की कोशिश भी की, पर बगीरा थोड़े ना शेर की सुनने वाला था। एक दिन बगीरा जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में उसे हाथी नजर आता है। अरे ओ पर्वत, कहाँ जा रहे हो? बगीरा, तेरी ये मजाक, तूने मुझे पर्वत कहा, अपनी औकात में रहा कर समझा, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना 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 क्या? अरे ओ पर्वत, ना तो तू तेज भाग सकता है, एक जगह से दूसरी जगह हिलने में ही तुझे सदियां बीत जाती है, आया बड़ा मुझे धमकियां देने वाला। ये सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं बगल में लगे एक पेड़ को अपनी सूर से उखाड़ कर बगीरा के ऊपर फेंक देता है। बगीरा जैसे तैसे उस पेड़ से बच जाता है और हाथी को चढ़ाते हुए वहां से भाग निकलता है। हाथी भी बगीरा का पीछा करता है। बगीरा भागते भागते काफी दूर चला जाता है। रात होने को आ रही थी। अरे, इस हाथी को चढ़ाने के चक्कर में लगता है काफी दूर भाग कर आ गया, इससे पहले कि और रात हो जाए मुझे वापस जाना होगा। यूं बगीरा वापस आ रहा था कि उसे झाड़ियों में एक सुनहरी रोशनी नजर आती है। अरे, ये कैसी रोशनी है? यूं बगीरा उस रोशनी के करीब पहुंचता है। जैसे ही वो उस रोशनी को देखता है, वो एक ताज से आ रही थी। उस सुनहरे ताज को देखकर बगीरा के मन में लालच जाग जाता है। अरे वाह, ताज, सुनहरा ताज, लगता है ये मेरे लिए ही बना है,
इसे पहनकर मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा। ये सोचकर बघीरा उस ताज को पहन लेता है। जैसे ही वो ताज को पहनता है, उसके अंदर अजीब सी हलचल होने लगती है और वो बहुत सारी शैतानी शक्तियों के साथ एक शैतान में बदल जाता है। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। लगता है मुझ में काफी सारी शैतानी शक्तियां आ गई हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब तबाह करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बघीरा जानवरों के पीछे पड़ जाता है। वो जानवरों को बेवजह मार रहा था और उन्हें घायल करने लगा था। बघीरा को देखकर जानवर घबरा जाते और वो अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो अपने दोस्त को समझाने पहुंचता है। बघीरा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम इन मासूम जानवरों को बेवजह क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों इन्हें घायल कर रहे हो? अरे ओ शेर, तेरी ये औकात? कौन दोस्त, कैसा दोस्त? मैं किसी का दोस्त नहीं, समझा? वो शेर की एक नहीं सुन रहा था। बाकी के जानवर भी शेर को बघीरा से दूर रहने के लिए कह रहे थे। महाराज, बघीरा होश में नहीं है, वो वाकई आपकी बात नहीं सुन सकेगा। आप उसे जंगल से बाहर निकाल दीजिए और उससे दूर रहिए। बघीरा मेरा दोस्त है, भला मैं उसे ऐसी हालत में कैसे छोड़ दूँ? बघीरे को बदलने के लिए कुछ तो करना होगा, कोई तो उपाय होगा। हाथी और शेर बात कर रहे थे कि तभी वहाँ भालू आता है। महाराज, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, कई साल पहले ऐसी ही घटना हुई थी। तब ऐसे ही आपके दादाजी के पीछे भेड़िया पड़ गया था, उन्हें मारने के लिए आ रहा था। तब एक बाज ने आपके दादाजी की मदद की थी, हो सकता है कि वो बाज आपकी भी मदद करे। तब शेर समय ना गवाते हुए बाज के पास जाता है। इतने साल बीत जाने की वजह से बाज अब बूढ़ा हो गया था। शेर बूढ़े बाज को सारी बात बताता है और उससे मदद मांगता है। बाज कहता है, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ये सच है कि मैंने ही तुम्हारे दादाजी की मदद की थी उस शैतानी भेड़िए को मारने के लिए, पर अब ये मेरे बस की बात नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर हाँ, हमारे जंगल के उत्तरी दिशा में एक तालाब है, वहाँ एक तपस्वी कछुआ रहता है, अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है, जाओ जाओ उसके पास। शेर तुरंत जंगल की उत्तरी दिशा में तालाब के पास जाता है, जहाँ कछुआ तपस्या कर रहा था। शेर कछुए को प्रणाम करता है। तब कछुआ शेर से कहता है, शेर, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ अपने दोस्त को बचाने के लिए आए हो, मैं तुम्हारी दोस्ती को देखकर बहुत खुश हुआ। कछुए महाराज, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है, मेरी मदद कीजिए। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्तियाँ दूंगा जिससे तुम अपने दोस्त को वापस पा सकते हो। ये सुनकर शेर बहुत खुश हो जाता है और वो कछुआ शेर को जादुई शक्तियों से पंख देता है और कुछ और जादुई शक्तियाँ भी देता है, जिसे देख शेर बहुत खुश होता है। वो कछुए का धन्यवाद करता है और उड़ते हुए वापस जंगल आता है। शेर को देख बघीरा घबरा जाता है। शेर अपने जादुई पंखों से बघीरा के सर पर लगे ताज को निकाल देता है। जैसे ही बघीरा के सर से वो ताज निकल जाता है, वो फिर से अपने पहले वाले रूप में आ जाता है। पर बघीरा को उसके साथ जो कुछ भी हुआ, कुछ भी याद नहीं था। वो शेर से कहता है, अरे दोस्त, ये सब क्या है? सारे जानवर मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सर पर कोई बहुत भारी चीज़ रखी थी, कोई बहुत बड़ा बोझ था। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ याद नहीं, वैसे भी कुछ बातें भूल जाने में ही सबके लिए अच्छा होता है। वैसे दोस्त, मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे वो पूरा करना होगा, मैं अभी वापस आया। जादुई शेर उड़ते हुए नदी के पास आता है और उस ताज को नदी में फेंक देता है ताकि वो ताज फिर किसी और को ना मिले। शेर अपने पहले रूप में आ जाता है। इस तरह शेर की मदद से बघीरा बच जाता है। बघीरा भी अपने घमंड को छोड़कर बाकी जानवरों के साथ अब मिलजुल कर रहने लगा था और जंगल में फिर से खुशियाँ छा गई थी।